नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी। और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का, और मिड डे न्यूज की जो सबसे ताजा खबर आ रही है वो है, सेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर बुधवार की बैठक हुई जो अच्छी रही और आने वाले दिनों में एक मजबूत सरकार देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज मैं शरद पवार से मुलाकात करूंगा, तीनों पार्टियां महाराष्ट्र के हित में सरकार बनाएंगी। केंद्र सरकार ने देश में फिल्मों के निर्माण के लिए अब सिंगल विंडो क्लियरेंस देने का फैसला किया है, जिससे देश और विदेश के फिल्म निर्माताओं को काफी सहूलियत होगी। गोवा में 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिंगल विंडो क्लियरेंस की घोषणा की है। देश को जनवरी में अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलना तय हो गया है। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय क्रियान्वयन समिति ने इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट सुरक्षा मामले की कैबिनेट समिति को सौंप दी है। वरिष्ठ वकील हरीश सालवे ने कल सुप्रीम कोर्ट में बोलने के अधिकार को रेगुलेट करने की बात का समर्थन करते हुए कहा कि अब राज्य के लिए देश के विधि शास्त्र के विकास के अगले फेज में जाने का समय आ गया है, और परोक्ष रूप से राज्य की भूमिका अदा कर रहने वालों पर भी मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व किया जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जीवन के अधिकार और फेयर ट्रायल जैसे मौलिक अधिकारों का निवारण नहीं किया गया तो संविधान अपना महत्व खो देगा। केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक सुस्ती से निजात पाने और राजस्व को बढ़ाने के लिए सरकारी कंपनियों में अब तक के सबसे बड़े विनिवेश को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि सरकार ने बुधवार को 5 ब्लू चिप कंपनियों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ऑन लैंड कार्गो मूवर कॉनकोर आदि में अपनी हिस्सेदारी कम करने का फैसला लिया। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने कहा कि वर्ष 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जनता से 70 वायदे किए थे। इन मुद्दों में लोगों को स्वच्छ पेयजल का अधिकार देने की बात भी की गई थी। अगर दिल्ली सरकार ने जनता को यह अधिकार दे दिया होता तो यह उनका कानूनी अधिकार बन जाता, जिसे पूरा न करने पर जिम्मेदार अधिकारी को जेल हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर के प्रबंधन और रखरखाव के लिए एक विशेष कानून बनाने को कहा है। दरअसल जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को जनवरी के तीसरे सप्ताह में विधेयक पेश करने का निर्देश दिया, जिसमें वहां आने वाले श्रद्धालुओं के कल्याण के सभी पहलुओं को शामिल किया जाए। देश में डॉक्टरों की कमी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसके अनुसार 1,445 लोगों की जिम्मेदारी केवल एक एलोपैथ डॉक्टर के कंधों पर है। हरियाणा में है जहां एक एलोपैथी डॉक्टर पर 6,287 लोगों की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति के लिए नामित किया गया है, जहां इस कमेटी की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता और 2 बार के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को चुनाव में हराया था। दिल्ली में स्वच्छ पानी के मुद्दे पर जमकर चर्चा हो रही है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अस्पतालों में भारी संख्या में ऐसे मरीज आ रहे हैं जिन्हें ऐसी बीमारियां हैं जो प्रदूषित जल पीने के कारण होती है, लेकिन जब पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठाया जाता है तो अरविंद केजरीवाल इसे राजनीति से प्रेरित करार देते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एनआरसी के मामले में बिना नाम लिए बीजेपी को घेरते हुए कहा कि 15 से अधिक राज्यों में गैर बीजेपी मुख्यमंत्री है और ये ऐसे राज्य हैं जहां देश की 55% से अधिक जनसंख्या है। उन्होंने आगे कहा कि आश्चर्य है कि उनमें से कितने लोगों से एनआरसी पर विमर्श किया गया और कितने अपने अपने राज्यों में इसे लागू करने के लिए तैयार है। व्हाट्सएप ने पेगासस के मामले में सरकार को पत्र लिखकर खेद जताया है। सरकार की ओर से वरिष्ठ सूत्रों ने बताया है कि इस पत्र में व्हाट्सएप की ओर से सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि सरकार ने व्हाट्सएप को यह भी साफ कर दिया है कि वह मैसेजिंग ऐप पर सुरक्षा में खामी बर्दाश्त नहीं करेगी।
अमेरिकी कांग्रेस नेता पीट ऑल्सन ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के पास भी ठीक वैसा ही अधिकार है जो भारत के सभी नागरिकों के पास है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में बोलते हुए ऑल्सन ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर के लोगों को भारत से अलग कानूनों के तहत रहने के लिए मजबूर कर रहा था। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर आज सुबह कांग्रेस कार्य समिति की बैठक सोनिया गांधी के आवास पर हुई। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया, कांग्रेस कार्य समिति ने आज चर्चा की और निर्णय लिया कि आगे क्या कदम उठाने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब हम बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कदम उठाएंगे। एक और जहां आम आदमी पार्टी सरकार नई डीटीसी बसों की खरीद को लेकर अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं इस विषय में विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि डीटीसी बसों की खरीद में जबरदस्त हेरा फेरी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में नई बसों की खरीद का कोई निर्णय नहीं लिया है। जिन बसों की खरीदी हुई है उन्हें भी नीतिगत तौर पर कांग्रेस सरकार के समय से ही खरीदे जाने का निर्णय ले लिया गया था। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज संसद में चर्चा होनी है, जहां संसद के उच्च सदन राज्यसभा में होने वाली यह चर्चा दोपहर 2 बजे शुरू होगी। आपको बता दें कि इसके बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शाम 4 बजे सदन में NCR प्रदूषण पर सरकार की तरफ से जवाब देंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज सुबह कोलकाता के लेक कालबाड़ी पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस राज्य का एम्पायर हूं, कोई बॉलर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शादी समारोह में फिर से डीजे की धुन पर थिरकने का रास्ता साफ कर दिया है। दरअसल शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें प्रदेश के अंदर डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी और भाजपा को कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का DNA भारत के संस्कार संस्कृति परंपराओं के साथ मेल खाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता क्या कहते हैं और क्या करते हैं उनमें फर्क लोगों को महसूस होने लगा है और अब जनता ने अब इसको अस्वीकार कर दिया है। उत्तराखंड में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा सरकार के कामकाज की समीक्षा के बाद प्रदेश सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ाने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगातार काम का बढ़ता बोझ हल्का करने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। तो ये थी मिडडे की ताज़ा खबरें, और ऐसी ही ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के सामने जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दीजिए ताकि आप भी रह सकें देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।